हेलो दोस्तों, मैं हूँ सना खान। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सना आयुर्वेदा पर। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और न्यू वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ केस किंग शैम्पू के बारे में। ये केस किंग का एंटी हेयर फॉल शैम्पू है और उसका दावा है यह 80% हेयर फॉल को ख़त्म कर देता है। क्या ये सच में काम करता है या फिर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं? क्या इसका रिजल्ट आपको 100% मिलता है? तो ये सब मैं आज आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जैसा कि ये आपको मेरे हाथ में जो दिखाई दे रहा है, ये केस किंग का शैम्पू है और इसमें जो लिखा है स्कैल्प एंड हेयर मेडिकल वो मेडिसिन, ये इमामी का है या एंटी हेयर फॉल शैम्पू के नाम से मिलता है। और इसमें जैसे कहा गया है, इसमें एलोवेरा है और 21 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं इसके अंदर हैं। ऐसे ही मैंने ऑयल के बारे में बताया गया था, ऐसे ही इस शैम्पू के बारे में बताया गया है। और इसका ये दावा है ये 80% हेयर फॉल को ख़त्म करता है, इससे बाल सिल्की शाइनी स्मूथ होते हैं। ये इसका दावा है जो इसके अंदर लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हरी पैकेजिंग में आता है, जैसे कि आपको मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल ग्रीन कलर का है, डार्क ग्रीन, और इसका जो केप है वो गोल्डन कलर का है। इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो मुझे इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगती है। और इसके पीछे इसके बारे में बताया गया है आपको इसे किस तरीके से यूज़ करना है। आपको इसे स्कैल्प पे लगाना है, हल्का हाथों से मसाज करनी है, फिर पानी से वॉश कर लेना है, ऐसा इसमें बताया गया है इसका यूज़ करने का तरीका। और इसके अंदर क्या क्या मिला है वो सब कुछ भी यहाँ पे डिटेल से दे रखा है, अगर आप देखना चाहो तो आप देख लेना। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ दोस्तों कि ये महंगा है या सस्ता है, तो इस प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये 340 ml है। ये 340 ml का शैम्पू, ये देखिए मिट गया है हल्का सा, आप देखिए ये 340 लिखा है, 340 ml का शैम्पू आपको मिला है 210 रुपये में। ये 210 रुपये में अभी मिला है क्योंकि इसमें अभी छूट चल रही थी, इसलिए। अगर इसमें ये आपको दिख रहा है ना 60% ऑफ है इस पर, इस वजह से आपको ये 210 में मिल जाएगा। और ये ऑनलाइन अगर आप लोगे, मैंने इसे ऑनलाइन लिया था, ऑनलाइन ये मुझे और भी सस्ता मिला था, इसमें मेरे पूरे 50 रुपये बचे थे। अमेज़ॉन पे ऑफ़र चल रहा था जब मैंने इसे मंगवाया था, तो काफ़ी अच्छा था। ये जो केस किंग ऑयल है, इस पर मैं रिव्यू दे ही चुकी हूँ, ये कैसा ऑयल है, ये असर करता है या नहीं करता, पूरा रिव्यू मैं दे चुकी हूँ, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं क्या ये सच में असर करता है या इसका रिज़ल्ट आपको 100% मिलता है। क्या ये सच में आपके हेयर फॉल को 80% तक कम कर देता है, यानी आपके बालों का गिरना 80% तक कम कर सकता है, या इसका रिज़ल्ट आपको कितने दिन में मिल जाता है? तो हम इस टॉपिक पे अब बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने इसे यूज़ कर रखा है, मेरे पास ये दो शैम्पू हैं, तो मैंने इसे यूज़ कर रखा है, तो इसके रिज़ल्ट की बात करूँ तो ये आपके हेयर फॉल को, जी हाँ, ख़त्म करता है। 80% का दावा मैं नहीं करूँगी, जैसा कि मैंने अपने ऊपर ट्राई करा है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ दोस्तों। आपके ऊपर ये कैसा सूट करे आई डोंट नो, तो 80% नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन हाँ मैं 60% बोलूँगी कि ये 60% अपना असर दिखाता है। और इससे बाल सिल्की स्मूथ शाइनी हो जाते हैं, तो हाँ हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, हल्के फुल्के होते हैं। धीरे धीरे जैसे ही आप इसका यूज़ करते जाओगे तो शायद और भी ज़्यादा सिल्की शाइनी हो जाए, लेकिन इतने भी नहीं। लेकिन हाँ ये असर दिखाता है जैसा कि इसने बोला है। और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। ये देखिए, मैं आपको हाथ पे लेके दिखा रही हूँ, ये हल्का सा खाली हो चुका है तो मैं इसे टैप कर रही हूँ। ये देखिए, ये हल्का सा ग्रीनी कलर का है, जैसे कि ऑयल है ना, केस किंग ऑयल भी मैंने आपको बताया था, वो भी हल्का सा ग्रीनी कलर का ऑयल था। तो सेम ऐसे ही इसका शैम्पू का कलर भी हल्का सा ग्रीन कलर है, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है ग्रीन कलर। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर है, बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर है। मैं आपको छाए में गए के दिखा रही हूँ। और मैं इसकी स्मेल की बात करूँ, हाँ तो मैं इसकी स्मेल की बात करूँ तो इसकी स्मेल भी केस किंग ऑयल की तरह है, और मुझे इसकी स्मेल पसंद है। आप लोगों को पसंद आए या ना आए ये मैं कह नहीं सकती। स्मेल इसकी को बिल्कुल है, वैसी है आयुर्वेदिक जैसी, जैसे आयुर्वेदिक ऑयल है तो आयुर्वेदिक जैसी ही स्मेल है इसकी। ग्रीन पत्ती टाइप की स्मेल है इसकी, मतलब आप ये मत सोचिएगा किसी फूल या किसी वैसी से स्मेल है, तो ग्रीन ही सी स्मेल है। और अगर आपको इसकी स्मेल पसंद नहीं आती है तो मैं दोस्तों बता दूँ, आप इसका यूज़
मत करिए, क्योंकि आप जब इससे वॉश करोगे ना तो उसके बाद भी आपके बालों में इसकी स्मेल रहती है, मतलब ज़्यादा नहीं हल्की फुल्की स्मेल आपके बालों में इसकी रहती है इसके यूज़ करने के बाद। और ये शैम्पू की पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यारी लगती है, ग्रीनी कलर की, और ग्रीन कलर जो होता है वो हमारी आँखों को बहुत कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, तो इसलिए मुझे ग्रीन कलर अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, ये नहीं कि मेरा फेवरेट है। तो ये हो गया मेरा रिव्यू, मैं आपको सच बता चुकी हूँ कि इसका रिज़ल्ट आपको कैसा मिलता है। मैं 50-80 नहीं बोलूँगी, 60% आपको इसका रिज़ल्ट मिलता है, मेरा दावा ऐसा है। दोस्तों मैं इसके रिज़ल्ट की बात करूँ कि आपको इसका रिजल्ट कितने दिन में मिलता है, तो आपको इसका रिजल्ट 30 दिन में नज़र आने लगता है। 30 दिन के बाद आपके बालों में अंतर धीरे धीरे नज़र आने लगता है। अगर आप इस ऑयल का यूज़ करोगे, केश किंग ऑयल का भी साथ में यूज़ करते हो, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो आप दोनों चीज़ों को साथ में यूज़ करिएगा, और केश किंग कैप्सूल जो होते हैं अगर आप उसे भी यूज़ करोगे तो और भी बेनिफिट है। उस पर रिव्यू चाहिए तो आप मुझे बोलिएगा। वैसे मैं इस ऑयल का यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं रिव्यू देने के लिए इस ऑयल का यूज़ किया था, बाकी मैं अपने होममेड ऑयल का यूज़ करती हूँ। बाकी आप यूज़ करके देखिए दोस्तों कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिलता है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला है, और आप मेरे रिव्यू से खुश हैं या नहीं हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और केश किंग ऑयल पे जो मैंने रिव्यू दिया है आप उसे भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब दोनों चीज़ें साथ में यूज़ करोगे ना तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलता है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको केश किंग कैप्सूल पे भी रिव्यू चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर भी रिव्यू ज़रूर दूंगी, वो भी मैंने यूज़ करके देखा है। अगर आपको किसी और प्रोडक्ट पे भी रिव्यू चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, लेकिन उसकी वीडियो 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद ही आएगी, क्योंकि मैं पहले उसे इस्तेमाल करूँगी, उसके बाद ही मैं उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जाते जाते कहना चाहूँगी आप मेरे यूट्यूब चैनल सना आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो को और भी लोग बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों अब मैं चलती हूँ, मेरा होता है जाने का वक्त, अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। तो जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।